लोकप्रिय तमिल अभिनेता विवेक अब इस दुनिया में नहीं है। 17 अप्रैल 2021 की सुबह उनका निधन हो गया। वो 59 साल के थे। दिल का दौरा पड़ने के बाद चेन्नई के सिम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 2 दिन पहले उन्हें कोरोना का पहला टीका लगवाया गया था। 16 अप्रैल को कार्डियक अरेस्ट की वजह से अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। उनकी मौत कोरोना का टीका लगने से नहीं हुई। 9 नवंबर 1961 को जन्मे कॉमेडियन विवेक का पूरा नाम विवेकानंद था। सिनेमा जगत में उन्हें विवेक नाम मिला। विवेक एक भारतीय फिल्म अभिनेता, टेलीविजन पर्सनालिटी, प्लेबैक सिंगर और तमिल फिल्म उद्योग में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका जन्म थूथुकुड़ी जिले के कोविलपट्टी में हुआ था। निर्देशक के बालाचंदर ने उन्हें फिल्मों में लॉन्च किया। दरअसल चेन्नई में सचिवालय में काम करते हुए विवेक ने अपने खाली वक्त में मद्रास ह्यूमर क्लब में हिस्सा लिया। यहाँ लोग स्टैंड अप कॉमेडी किया करते थे। इस दौरान विवेक ने कई बार सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन का पुरस्कार जीता। बाद में उन्होंने चेन्नई छोड़ दिया और मदुरई से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री हासिल की। सेमेस्टर ब्रेक के दौरान वो क्लब में वापस लौट आए और इसी दौरान ह्यूमर क्लब के संस्थापक पीआर गोविंद राजन ने उन्हें पहली बार फिल्म निर्देशक के बालाचंदर से मिलवाया और निर्देशक की फिल्मों के लिए पटकथा लेखक के रूप में एक पेशेवर संबंध यहां से शुरू हुआ। अपनी एक्टिंग के दम पर उन्होंने साउथ फिल्मफेयर अवार्ड्स में बेस्ट कॉमेडियन के लिए 3 फिल्मफेयर अवार्ड जीते। उन्होंने 220 से अधिक फिल्मों में काम किया। 2009 में भारत सरकार ने विवेक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। सत्यभामा विश्वविद्यालय ने अभिनेता विवेक को सिनेमा के माध्यम से समाज में उनके योगदान के लिए एक मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया। आज भले ही विवेक दुनिया छोड़ गए, लेकिन फिल्मों, पर्यावरण और समाज के लिए उनके किए गए कामों के चलते उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। तमिल एक्टर विवेक को भावभीनी श्रद्धांजलि। टीम न्यूज़बुक।